ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल्फ चेक एक्सरसाइज 10.6, दैट इज लो ऑर्डर न्यूमेरिकल. कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 12.5 ग्राम्स ऑफ बेंजोइक एसिड इन 110 ग्राम्स ऑफ बेंजीन एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड केबी ऑफ द बेंजीन आर गिवन. तो स्टूडेंट्स, इसमें डायरेक्टली ये हमारे पास फॉर्मूला लग रहा है क्योंकि हमने बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है. तो डेल टी बी सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होगा. तो यहाँ पर हमें के बी की वैल्यू गिवन है, दैट इज 2.53 और वेट ऑफ द बेंजोइक एसिड 12.5 ग्राम्स, मोलिकुलर वेट ऑफ द बेंजोइक एसिड 122 ग्राम्स पर मोल एंड वेट ऑफ द बेंजीन 110 ग्राम्स इनटू 1000 एंड द आंसर इज 2.357 डिग्री सेंटीग्रेड. तो स्टूडेंट्स, अब हमने डेल टी बी का फाइंड आउट कर लिया. अब हम इसमें से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे. तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन के लिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू टी टू माइनस टी वन. ओके, तो ये हमारा जो सॉल्वेंट है प्योर सॉल्वेंट का होता है और इसमें से हमें सॉल्यूशन का फाइंड आउट करना है टी टू डेल टी बी प्लस टी वन. ओके स्टूडेंट्स, डेल टी बी हमारे पास है 2.357 एंड बेंजीन का 80.1 एंड द आंसर इज 82.457 डिग्री सेंटीग्रेड. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल्फ चेक एक्सरसाइज 10.7, दैट इज लो ऑर्डर न्यूमेरिकल. What is freezing point of an aqueous solution that is 0.25 molal glycerol? तो students, इसमें हम हमें directly molality given है, that's why इसके लिए हम जो formula use करेंगे उसको हम derive करेंगे. ठीक है, अब depression in freezing point is directly proportional to molality. Okay, तो depression in freezing point equal का sign लगाएंगे जब proportionality का sign हटाते हैं and साथ हम कॉन्स्टेंट लिखेंगे के एफ इंटू एम. अब के एफ हमारे पास वाटर के लिए 1.86 कॉन्स्टेंट होता है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ लेकिन कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो ये आपको आनी चाहिए 0.25. तो अब हमारे पास आंसर है 0.465 डिग्री सेंटीग्रेड. अगेन स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड आउट किया है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट किया, तो उस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन को हमने फाइंड आउट करना है. स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन में क्या करते हैं, सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होता है और उसके बाद कम हो जाता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे टी वन में से टी टू को माइनस करते हैं. ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास ये वाटर में एक्वस सॉल्यूशन बना हुआ था, इसलिए जब हम टी टू फाइंड आउट करेंगे तो इसका हमारे पास क्या आंसर आएगा, टी वन माइनस डेल टी एफ. इसको हमने अरेंज कर लिया, तो वाटर के लिए तो हमें फ्रीजिंग पॉइंट पता है ना, जीरो डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, और डेल टी एफ हमारे पास क्या आया है, 0.465 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, इसको हम माइनस करेंगे, माइनस 0.465 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज द आंसर. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेल्फ चेक एक्सरसाइज इज 10.8, दैट इज लो ऑर्डर न्यूमेरिकल. अ सॉल्यूशन ऑफ 55.8 मिलीग्राम ऑफ विटामिन के1 इन 1.048 ग्राम्स ऑफ बेंजीन हैज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 4.850 डिग्री सेंटीग्रेड. के फॉर बेंजीन इज 5.12 एंड वट इज़ द मोलिकुलर वेट ऑफ वाइटामिन के वन. स्टूडेंट्स, ये सिंपल है, वट इज़ द मोलिकुलर वेट ऑफ वाइटामिन के वन. तो स्टूडेंट्स, मोलिकुलर वेट का फॉर्मूला तो सिंपल है, वो हमने ऑलरेडी देख लिया, उसी को हमने लिखना है. ठीक है, और इसमें अब हम वैल्यूज पुट करेंगे. यहाँ पर स्टूडेंट्स, हमारे पास के एफ जो है वो गिवन है ऑलरेडी, दैट इज़ 5.12 एंड डब्ल्यू टू जो है वो हमारे पास वेट ऑफ द सॉल्यूट है. ठीक है, दैट इज़ वाइटामिन के वन
लेकिन यहाँ पर ये जो मिलीग्राम में दिया हुआ ना, तो इसको हमने मिली से चेंज कर देना है 55.8 इंटू 10^-3। ठीक है, तो अब ये ग्राम्स में आ चुका है एंड मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय डेल टी एफ। डेल टी एफ हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट है। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन पहले जो है वो 5.4 था, ठीक है, 55, और उसके बाद 4.8 हो गया। ठीक है, तो इसको हम माइनस कर लेंगे, 5.4 55 माइनस 4.8, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.605 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पर हमारे पास वेट ऑफ द बेंजीन भी गिवन है, दैट इज 1.048। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 450.59 ग्राम्स पर मोल। ओके, तो ये सिंपल सा था जिसमें डायरेक्टली हमने वैल्यूज पुट करनी थी। और इसका सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द इथाइल अल्कोहल सॉल्यूशन दैट कंटेन्स 2 ग्राम ऑफ इथाइलीन ग्लाइकोल एंड डिसॉल्वड इन 5 ग्राम्स ऑफ वाटर। ठीक है, यानी हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मास गिवन है, के एफ भी गिवन है और के बी भी गिवन है। ठीक है, दोनों चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है, के एफ भी और के बी भी। तो इनके लिए सिंपली हमने ये दोनों फॉर्मूले यूज़ करने हैं, क्योंकि जब हमने अगर फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है तो हमें डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट पहले कैलकुलेट करना है। अगर हमें बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है, तो हमें पहले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें के एफ जो है वो गिवन है, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट ऑफ वाटर 1.86, और डब्ल्यू टू जो है वो हमारे पास सॉल्यूट का वेट है जो कि है 2 kg। अब kg है तो उसको हमने ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेना है, मल्टीप्लाई बाय 1000। और एम टू जो है वो इथाइलीन ग्लाइकोल का मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है, दैट इज 62 इनटू वेट ऑफ द वाटर, दैट इज 5 kg। तो 5 kg को हम 10^3 के साथ इसको शो कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.355 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, डेल टी एफ इज इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स डेल टी एफ जो है वो हमारे पास हमेशा होता है टी वन माइनस टी टू। ओके, तो अब हम इसमें टी वन पुट कर देते हैं जो कि वाटर का एक्चुअल फ्रीजिंग पॉइंट होता है, दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसमें से T2 फाइंड आउट करते हैं जो हमने फाइंड आउट किया है सॉल्यूशन का। नाउ वी विल गेट 12 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब हमारे पास T2 की जो वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 12 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन पहले फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो के बी जो हमें गिवन है, दैट इज 0.52, और वेट ऑफ द सॉल्यूट 2 kg है, दैट इज 2 × 10^3 मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइडेड बाय हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर वेट 62 है इंटू 5 kg वाटर। kg को हमने कन्वर्ट कर दिया है एंड वी विल गेट द आंसर, दैट इज 3.355 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे T2 माइनस T1। ओके, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू T2। तो T2 फाइंड आउट करना है, तो डेल टी बी प्लस T1 होगा। ओके, तो डेल टी बी की क्या वैल्यू है हमारे पास, 3.355। ओके, और जो T1 है वाटर का, वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100, ठीक है, तो ये हो जाएगा
0.0353.355 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके स्टूडेंट्स, ये भी इजी था, डायरेक्टली सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस हैं, इसलिए ये लोअर ऑर्डर न्यूमेरिकल्स हैं. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज द एक्सरसाइज क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द रिड्यूस सिलेबस. जो एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स इंक्लूडेड हैं वो हैं 2, 3, 4, 18, 19, 20 and 21. एंड अगर हम इनको लो ऑर्डर एंड हाई ऑर्डर न्यूमेरिकल्स में डिवाइड करें देन वी विल गेट ओनली 19 एंड 20 इन लो ऑर्डर एंड 2, 3, 4, 18 and 21 इन हाई ऑर्डर न्यूमेरिकल्स. तो स्टूडेंट्स, इसकी आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है. एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर हम बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस भी देखेंगे जो कि इन एक्सरसाइज क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं. लेट्स सॉल्व देम. एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर टू. स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर टू हाई ऑर्डर न्यूमेरिकल है हमारे पास. डिटरमिन द मोलैलिटी ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस. अब ये हमारे पास 3.5% वेट बाय वेट ग्लूकोज है, ठीक है, इसकी मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है. तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको ये जो यूनिट दिया हुआ है वेट बाय वेट परसेंट, इससे आपको इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी आनी चाहिए. ये क्या कह रहा है कि इसमें जो ग्लूकोज है उसका क्या वेट है और जो वाटर है उसका क्या वेट है. ठीक है, ग्लूकोज है 3.5 और वाटर है 100 माइनस 3.5. ओके, दैट इज 96.5 ग्राम्स. तो ये इंफॉर्मेशन आपको एक्सट्रैक्ट करनी आनी चाहिए. ठीक है, अब सिंपल है हमारे पास मोलैलिटी का, हम फॉर्मूला यहाँ पुट करेंगे. स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम मोलैलिटी का जब फॉर्मूला पुट करेंगे तो हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट तो आ गया है, दैट इज 3.5 ग्राम्स. ओके, और मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट भी ग्लूकोज जो है वो 180 का होता है, 180 ग्राम्स पर मोल. एंड वाटर का जो है वो हमारे पास मास आया है इन ग्राम्स, दैट इज 96.5 ग्राम्स. उसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे एंड वी विल गेट 0.0965. ठीक है, तो अब केजी में आ गया है, अब इसको हम पुट कर देंगे एंड द आंसर विल बी 0.2 मोलल. तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास था. अब ये क्यों हाई ऑर्डर न्यूमेरिकल है, क्योंकि अगर तो स्टूडेंट्स जो हैं वो मोलैलिटी परसेंट वेट बाय वेट में से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते तो वो इस फॉर्मूले में पुट नहीं कर सकते. ठीक है, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज 9.9 ग्राम सोडियम नाइट्रेट डिजॉल्व इन 940 ग्राम्स ऑफ वाटर. ठीक है, इसकी मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है तो ये तो ईजी है. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इसका मास ऑफ सोल्यूट 9.9 ग्राम जो है वो पुट करेंगे एंड सोडियम नाइट्रेट का जो है हमारे पास मॉलिकुलर वेट 85 ग्राम्स पर मोल एंड 1/940 ग्राम वाटर को हम जब कन्वर्ट करेंगे डिवाइड बाय 1000 से करेंगे तो 0.940 हमारे पास आंसर आ जाएगा एंड इस होल क्वेश्चन का आंसर होगा हमारे पास 0.124 मोलर. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 लो ऑर्डर न्यूमेरिकल. व्हाट आर द फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 13.3 ग्राम्स ऑफ इथाइलीन ग्लाइकोल एंड 100 ग्राम्स ऑफ वाटर. तो स्टूडेंट्स, यहां पर कांस्टेंट्स की वैल्यू आपको नहीं दी हुई क्वेश्चन में कि के बी की वैल्यू क्या है और के एफ की वैल्यू क्या है, तो इसलिए आपने एग्जाम्स के लिए के बी और के एफ की वैल्यूज जो है वो याद कर लेनी है. ठीक है, के एफ की वैल्यू है 1.86 एंड के बी की वैल्यू है 0.52. ओके स्टूडेंट्स, और बाकी हम इसमें सिंपल फार्मूलाज पुट करेंगे. तो फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो हमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है. उसके लिए के एफ की वैल्यू हमें लगानी है, दैट इज 1.86 एंड जो वेट ऑफ द सॉल्यूट दिया गया है दैट इज 13.3 ग्राम्स, ये क्वेश्चन में गिवन है, मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ इथाइलीन ग्लाइकोल, ये कैलकुलेट किया है तो ये हमारे पास आता है 62 ग्राम्स पर मोल एंड वेट ऑफ द वाटर जो है वो हमारे पास 100 ग्राम आता है. ओके स्टूडेंट्स, इस होल क्वेश्चन का आंसर जो हमारे पास आ जाएगा दैट इज 3.3
9.99 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, तो अब हम जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू T1 माइनस T2. ओके, तो अब हमने T2 फाइंड आउट करना है. तो T1 प्लस T1 माइनस डेल TF. ओके, एंड यहाँ पर हम इसको T1 जो सिंपल हमारे पास वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है 0. ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड. और डेल TF जो है वो हमारे पास है 3.99 डिग्री सेंटीग्रेड. तो आंसर आ जाएगा माइनस 3.99 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, तो ये हमारे पास है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. इसी तरीके से हमने बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है. स्टूडेंट्स ये भी बहुत इजी है. इसमें सिंपल ये होता है कि अगर तो स्टूडेंट्स ने के बी और के एफ की वैल्यूज याद नहीं की हुई और क्वेश्चन में अगर वो गिवन नहीं है तो फिर जो है वो आपका क्वेश्चन ठीक नहीं होता. ठीक है, के बी की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है, दैट इज 0.52. W2 जो है वो 13.3 ग्राम्स है. मॉलिक्युलर वेट जो है वो हमारे पास 62 है. और वाटर का वेट जो है वो 100 ग्राम्स गिवन है इन 2000. तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर आ जाता है डेल टी बी का 1.115 डिग्री सेंटीग्रेड. अब हमने क्या करना है, अब हमने बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है. तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1. ठीक है, अब हमने इसमें से T2 फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स. तो T2 फाइंड आउट करना है तो वो क्या होगा, डेल टी बी प्लस T1. तो डेल टी भी हमारे पास है 1.115 डिग्री सेंटीग्रेड. और वाटर का जो सिंपल बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है हमारे पास 100. ठीक है, तो इसमें हम 100 ऐड कर देंगे तो 1.115 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके स्टूडेंट्स, तो ये सिंपल जो है वो कांस्टेंट्स की वैल्यूज अगर आपको याद है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज हाई ऑर्डर न्यूमेरिकल. कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एसिड इज 98% वेट बाय वेट सल्फ्यूरिक एसिड. इट्स डेंसिटी इज 1.84 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर. कैलकुलेट मोलैलिटी and molality of this solution and what quantity of concentrated sulfuric acid is required to prepare 500 cubic centimeter of 0.1 molar sulfuric acid. Students, first question जो है वो आप direct method से भी find out कर सकते हैं. जैसा कि मैंने आपको direct method बताया था, percentage purity into density into 10 divided by molar mass. तो percentage purity कितनी है, 98. डेंसिटी कितनी है, 1.84 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का 98. तो हमारे पास आंसर आ जाता है 18.4 मोलर. ओके स्टूडेंट्स, और सेकंड मेथड भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं जिसके अकॉर्डिंगली हमने एग्जांपल सॉल्व की थी. नेक्स्ट इज द क्वांटिटी ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 500 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ 0.1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड. तो स्टूडेंट्स इसमें हमने सिंपल मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाना है. ठीक है, एंड क्वांटिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास डाइल्यूशन इक्वेशन लगेगी. ठीक है, डाइल्यूशन इक्वेशन कैसे लगेगी, यहाँ पर कहा गया कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से आपने प्रिपेयर करना है. तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हमने देखा यहाँ पर कितना मोलर होता है, 18.4 मोलर. ठीक है, तो 18.4 मोलर से हमने प्रिपेयर करना है 0.1 मोलर और उसका टोटल सॉल्यूशन जो है वो कितना होना चाहिए, वॉल्यूम 500 क्यूबिक सेंटीमीटर. फाइनल सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो हमारे पास 500 होना चाहिए. ठीक है, मींस कि अगर हम इसमें M1 इज इक्वल्स टू V1 M2 into V2. ठीक है, तो हमने 18.4 मोलर का कितना वॉल्यूम लेना पड़ेगा, व्हाट क्वांटिटी ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हम उसकी लेंगे, तो वो हमारे पास वॉल्यूम की फॉर्म में होगी. ठीक है, और अब हमने फाइनल जो भी हमें रिक्वायर है 0.1 into 500 क्यूबिक सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय
18.4 मोलर. तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.717 क्यूबिक सेंटीमीटर. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है कि हमने एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेनी है, उसमें जब हम 18.4 मोलर वाला सोल्यूशन लेंगे सल्फ्यूरिक एसिड का प्योर, तो वो हमने जस्ट 2.717 क्यूबिक सेंटीमीटर लेना है, ठीक है. और उसमें फिर हमने वाटर ऐड करते जाना जब तक वो 500 क्यूबिक सेंटीमीटर का हो जाएगा, ठीक है. जैसे कि हमारे पास ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड 18.4 मोलर सॉल्यूशन का हमने जस्ट 2.717 क्यूबिक सेंटीमीटर लेना है, ठीक है. एंड इसमें हमने वाटर ऐड करते जाना है जब तक इसका वॉल्यूम जो है वो 500 क्यूबिक सेंटीमीटर नहीं हो जाता. जब इसमें हम ऐड कर देंगे तो इस पूरे फाइनल सॉल्यूशन की जो मोलारिटी है वो हो जाएगी 0.1 मोलर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 18, दैट इज हाई ऑर्डर न्यूमेरिकल. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर है 1.89 ग्राम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ए वॉज डिजॉल्व पर 85 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर. द बॉइलिंग पॉइंट अंडर वन एटमोस्फेरिक प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज इंक्रीज टू 100.106. वैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100, ठीक है. तो यहाँ पर ये एलिवेट कर गया, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर गया क्योंकि इसमें हमने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड किया है, तो मॉलिकुलर वेट ऑफ दैट कंपाउंड हमने कैलकुलेट करना है. तो इसके लिए हमारे पास सिंपल ये फॉर्मूला है, ठीक है. स्टूडेंट इसको हमने क्यों हाई ऑर्डर न्यूमेरिकल में रखा है, क्योंकि यहाँ पर हमें वाटर का प्रॉपरली इस तरह से बताया नहीं गया कि 100 से 1.06 में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है. सिंपल इंक्रीज बता दिया है कि 100.106 फाइनल जो है वो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट आ गया, ठीक है. तो यहाँ से स्टूडेंट्स को जो है वो डाटा को एक्सट्रैक्ट करना जो है वो अगर डिफ़िकल्ट, अगर है वो प्रॉपरली एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे डाटा तो वो नहीं कर सकते, ठीक है. तो यहाँ पर हमारे पास के बी की वैल्यू, हमारे पास जो डाटा दिया हुआ है हम लिख लेते हैं. के बी की वैल्यू स्टूडेंट्स मैंने बताई है कि वो कांस्टेंट है, वो आपको याद करनी है 0.52. और वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी गिवन है 1.89 × 1000 डिवाइडेड बाय डेल टी बी. तो जो चेंज आया है, ठीक है, 101.06 में से 100 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.106, ठीक है. ये हम फाइंड आउट कर लेंगे इनटू W1. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास वेट ऑफ द वाटर नहीं दिया हुआ, ठीक है. वाटर का हमें वेट जो है वो पुट करना है, वाटर का यहाँ पे वॉल्यूम दिया है. तो स्टूडेंट्स ये भी एक एडिशनल काम है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हमें वेट जो है नहीं दिया हुआ, तो वो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते. लेकिन ये क्वेश्चन इजी है, आप वेट्स को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम दिया हुआ है, वाटर का जो है वो हमारे पास वाटर का वॉल्यूम दिया है, तो हमने उसका मास फाइंड आउट करना है. तो मास या वेट फाइंड आउट करना है, तो डेंसिटी और वॉल्यूम को हम मल्टीप्लाई करेंगे. स्टूडेंट्स डेंसिटी दी हुई है 0.998 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर और 85 जो है वो इसका वॉल्यूम दिया हुआ है क्यूबिक सेंटीमीटर. तो हमारे पास मास आ जाएगा ग्राम्स में, दैट इज 84.83 ग्राम्स. तो स्टूडेंट्स ये एक एडिशनल स्टेप है जो आपको करना है. स्टूडेंट्स यहाँ पर हम 84.83 ग्राम्स यहाँ पर लगा देंगे एंड वी विल गेट द आंसर, दैट इज 109.297 ग्राम्स पर मोल. ओके, तो इसको हमने हाई ऑर्डर न्यूमेरिकल्स क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें W1 यानी वेट ऑफ द वाटर डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, वो आपको खुद से कैलकुलेट करना है. और के बी की भी वैल्यू नहीं दी हुई, वो आपको याद होगी तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 19, लो ऑर्डर न्यूमेरिकल. व्हाट फ्रीजिंग पॉइंट डू यू एक्सपेक्ट फॉर द वाटर इन विच 17.9 ग्राम्स ऑफ सुक्रोज इज डिसॉल्व पर 47 ग्राम्स ऑफ वाटर. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास ये डायरेक्टली इस क्वेश्चन में हम पुट करेंगे तो हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा और इससे फिर हम फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट कर लेंगे. स्टूडेंट्स इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं.
के बी की वैल्यू जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है, दैट इज 0.52। ओके स्टूडेंट्स, एंड डब्ल्यू टू जो है वो हमें दिया हुआ है वेट ऑफ दी सॉल्यूट, दैट इज 17.9 ग्राम। एंड मोलर मास जो है वो हम इसका फाइंड आउट कर सकते हैं सुक्रोज का। स्टूडेंट्स, सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास है 342 ग्राम्स पर मोल और वाटर का जो मास है 47.6। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.045 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन आ गया है डेल टी एफ, ठीक है। तो इससे हमने फाइंड आउट करना है T1 माइनस T2। तो अब हमने T2 फाइंड आउट करना है, तो T2 फाइंड आउट करने के लिए T1 माइनस डेल टी एफ। तो T1 वैसे फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का जीरो होता है, डेल टी एफ है 2.045। तो हमारे पास आंसर माइनस में आ जाएगा 2.045 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सिंपल लोअर न्यूमेरिकल था। आपने इन क्वेश्चन में ये याद रखना है कि अगर हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट लिख रहे हैं तो हम T1 माइनस T2 करेंगे, ठीक है, और अगर हम बॉइलिंग पॉइंट कर रहे हैं तो वो T2 माइनस T1 होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट करता है तो T2 जो है वो हायर हो जाता है, और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस करता है तो T2 लो हो जाता है। तो लो वैल्यू को हम माइनस करते हैं हायर वैल्यू में से। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20, लोअर न्यूमेरिकल। द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर वाटर इज 23.756 टोर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। हाउ मच ग्लूकोज वुड बी एडेड टू 100 ग्राम्स ऑफ वाटर टू ब्रिंग द वेपर प्रेशर डाउन टू 23 टोर। तो अब बेसिकली हमने यहाँ पे मास ऑफ द सॉल्यूट फाइंड आउट करना है, ठीक है, यानी वेट ऑफ द सॉल्यूट आप कह सकते हैं, वेट ऑफ द सॉल्यूट फाइंड आउट करना है। तो इसलिए हम पहले वेपर प्रेशर का जो हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है वो हम लिखेंगे और उसको हम अरेंज करेंगे W2 के लिए। स्टूडेंट्स, इसको हम W2 के लिए अरेंज करेंगे एंड इट विल बी M2 डेल पी W1 डिवाइडेड बाय M1 इंटू P0। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। M2 इज द मास ऑफ द ग्लूकोज, मॉलिक्यूलर मास, दैट इज 180। ओके, एंड जो हमारे पास वेपर प्रेशर में डिक्रीज आया है वो हम फाइंड आउट करेंगे। 23.756 में से 23 माइनस करेंगे तो 0.756 आ जाएगा। W1 जो है वो हमारे पास वेट ऑफ द वाटर है, दैट इज 100 ग्राम्स, एंड M1 हमारे पास मॉलिकुलर वेट है वाटर का, दैट इज 18 इंटू प्योर जो हमारे पास वाटर का वेपर प्रेशर है, दैट इज 23.756। ओके स्टूडेंट्स, एंड द आंसर विल बी 31.824 ग्राम्स पर ग्राम्स, ठीक है, सिंपल ग्राम्स, क्योंकि हमने यहाँ पर W2 फाइंड आउट किया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये भी लो ऑर्डर न्यूमेरिकल था, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ था सिंपल। आपको अगर फार्मूला आता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और अरेंज करके। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज इज, दैट इज 21, हाई ऑर्डर न्यूमेरिकल, दैट इज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ द कंपाउंड बॉयल एट 102 डिग्री सेंटीग्रेड एट वन टेम्परेचर, दिस सोल्यूशन विल फ्रीज। मीन्स कि यहाँ पर देखें, बॉयल इतने पे हो रहा है, फ्रीज कितने पे होगा। बेसिकली ये बॉयलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट के दरमियान में हमें रिलेशनशिप देखना है, ठीक है, और एक इक्वेशन में देखना है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें इक्वेशन जो है वो डिराइव करनी पड़ेगी, ठीक है। हमारे पास डिप्रेशन इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो किसके इक्वल होता है, मोलल बॉइलिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट इंटू एम, ठीक है, एंड एलिवेशन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट इंटू एम। अब स्टूडेंट्स, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को एम के अकॉर्डिंगली अरेंज करें, दैट विल बी टी डेल टी बी ओवर के बी एंड डेल टी एफ ओवर के एफ।
नाउ दोनों वन मोलल सॉल्यूशन के इक्वल हैं और इनको हम इक्वलाइज कर सकते हैं. डेल टी बी ओवर के बी एंड डेल टी एफ ओवर के एफ. ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसको हमसे फ्रीजिंग एट व्हाट टेम्परेचर दिस सॉल्यूशन विल फ्रीज, बेसिकली फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, तो हम डेल टी एफ फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें फ्रीजिंग पॉइंट भी पता चल जाएगा. ठीक है, तो डेल टी एफ के लिए हम इस क्वेश्चन को अरेंज करते हैं के एफ ओवर के बी. अब स्टूडेंट्स, ये इस क्वेश्चन में भी आपको के एफ और के बी की वैल्यू गिवन नहीं है, वो आपको खुद सॉल्व करनी है, उसको आपको याद करके लिखना है. तो स्टूडेंट्स, अगर हम डेल टी एफ फाइंड आउट करें तो उसके लिए हम आप वैल्यूज पुट कर लेते हैं के एफ बाय के बी इनटू डेल टी बी. के एफ स्टूडेंट्स हमारे पास है 1.86 एंड के बी है 0.52. डेल टी बी स्टूडेंट्स जो है वो हमें बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन डायरेक्टली नहीं दिया हुआ. ठीक है, हमें बताया हुआ है कि इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो है 102.4 है. ठीक है, तो ये हमारे पास T2 है. ठीक है, और T1 बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, इन दोनों को यूटिलाइज करते हुए हमने डेल टी बी फाइंड आउट करना है, दैट इज टी टू माइनस टी वन. तो स्टूडेंट्स, वो हमारे पास आ जाएगा 2.4 और इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे एंड डेल टी एफ विल बी इक्वल्स टू 8.585 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, अभी तो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन आया. ठीक है, इससे अब हम प्रॉपरली जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करेंगे एंड डेल टी एफ इज इक्वल्स टू टी वन माइनस टी टू, और इसमें से हमने टी टू फाइंड आउट करना है, तो टी वन माइनस डेल टी एफ. टी वन क्या होता है, हमारे पास ज़ीरो फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का ज़ीरो होता है, और उसमें से हम 8.585 माइनस करेंगे एंड वी विल गेट माइनस 8.585 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास हाई ऑर्डर न्यूमेरिकल. ओके, कि जिसमें आपने प्रॉपरली पहले ये पूरी इक्वेशन जो है इन दो इक्वेशंस को लेकर एक एक्सप्रेशन डिराइव किया है डेल टी एफ के लिए. ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और ये एग्जाम्स में पूछा जा सकता है. ओके, एंड देन आपने इसका टी टू फाइंड आउट किया. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो लेक्चर एग्जाम क्वेश्चंस 2018 फाइनल एग्जाम्स में हमारे पास क्वेश्चन है 100 ग्राम्स ऑफ 10% वेट बाय वेट सॉल्यूशन कंटेन्स 10 ग्राम्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. अब देखें, सॉल्यूशन टोटल जो है वो हमारे पास 100 ग्राम्स है. ठीक है, उनमें से अगर 10 ग्राम्स NaOH होगा तो 90 ग्राम्स हमारे पास वाटर होगा, क्योंकि वेट बाय वेट में सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करके बनता है. और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 5 मार्क्स का आया, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 है. हाई ऑर्डर न्यूमेरिकल ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. 2018 फाइनल एग्जाम इवनिंग पेपर में क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट. तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता जाएगा अगर हम उसके अंदर कुछ भी ऐड करेंगे सॉल्यूट्स. तो ये देखें, कुछ भी ऐड करेंगे तो इससे तो इंक्रीज करेगा बॉइलिंग पॉइंट. तो प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे लोएस्ट होगा. ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट. 2018 सप्ली एग्जाम में क्वेश्चन है 100 ग्राम्स ऑफ 25% वेट बाय वेट सॉल्यूशन कंटेन्स 25 ग्राम्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे 25 ग्राम्स अगर सॉल्यूट है तो 75 ग्राम्स जो है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए. लेकिन यहाँ पर हमें 75 ग्राम्स वाटर का कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा, लेकिन 25 ग्राम्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और 75 ग्राम्स ऑफ वाटर मिलकर 100 ग्राम सॉल्यूशन जरूर बनाते हैं, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट. ओके, बी ऑप्शन करेक्ट है. देन है हमारे पास एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 100 ग्राम्स ऑफ एथेनॉल. ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स हाई ऑर्डर न्यूमेरिकल एग्जाम्पल नंबर 10.5 है, जो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं.
2018 सप्ली एग्जाम्स में सेल्फ चेक एक्सरसाइज 10.3 जो है वो आई हुई है और इसको आपने करना है. यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट डाउन करनी है कि यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, ठीक है. वहाँ पर आपको जो आपकी एक्सरसाइज में 0.9 ग्राम्स दिया हुआ था यहाँ पर और इसको इन्होंने 9 ग्राम्स कर दिया. तो अगर वैल्यूज चेंज कर दी जाती हैं तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आपको मेथड आता है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए. ओके, 2017 फाइनल एग्जाम्स में हमारे पास ऑब्जेक्टिव है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.1 मोलल सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज. स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और सॉल्व किस तरह से करना है, इस इक्वेशन को लेके सॉल्व करना है. डेल टी बी इज इक्वल्स टू के बी इन टू एम. ओके, तो इससे आपने डेल टी बी जब आपके पास आ जाएगा तो उससे आप टी टू फाइंड आउट कर सकते हैं एंड द करेक्ट आंसर इज सी. ओके, ये आपने खुद सॉल्व करना है. 18.18 ग्राम ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 180 ग्राम्स ऑफ वाटर. द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज. एंड स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए, सेकेंड को सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दैट इज डेल पी ओवर पी नॉट. ठीक है, इसको ही हम रिलेटिव लोअरिंग कहते हैं और इसका फॉर्मूला है डब्ल्यू टू डिवाइडेड बाई डब्ल्यू वन मल्टीप्लाई बाय एम वन डिवाइडेड बाई एम टू. ठीक है, यहाँ पर वेट ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर एंड मॉलिकुलर वेट ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर आप पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.01. एंड शॉर्ट क्वेश्चन इज कंसेंट, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है. हाई ऑर्डर न्यूमेरिकल ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. 2017 फाइनल एग्जाम में इवनिंग पेपर में आया है द मोलैरिटी ऑफ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूशन कंटेनिंग 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. स्टूडेंट्स ये भी लो ऑर्डर न्यूमेरिकल्स हम कर चुके हैं. डायरेक्टली मोलैरिटी के फॉर्मूले में आप ये इनके पुट करेंगे, ठीक है, वॉल्यूम को डेसीमीटर क्यूब में डाल के और इसका मोल्स जो है वो पुट करेंगे तो आंसर विल बी 1 मोलर. 2017 सप्ली एग्जाम इवनिंग क्वेश्चन में हमारे पास है द मोलल बॉइलिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट इज द रेशियो बिटवीन रेशियो ऑफ द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टू. स्टूडेंट्स अगर हम ये चीज़ देखें कि मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट की बात हो रही है तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेल टी बी इज इक्वल्स टू के बी इन टू एम होता है, ठीक है. तो अगर हमने के बी फाइंड आउट करना है तो वो क्या होगा, किसकी रेशियो होगी, डेल टी बी और एम की रेशियो होगी, ठीक है. तो इट इज़ द रेशियो ऑफ द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टू मोलैलिटी. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको अभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है जो इसमें से इस चैप्टर में से आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं. आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स. थैंक यू सो मच.